हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ गोभी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बिना काजू और बिना क्रीम के बनाया है। लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से और घर की चीज़ों से कोफ्ते की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg गोभी, जिसे मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट कर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बारीक वाली जाली के से कद्दूकस इसे कर रही हूँ। हम जितना इसे बारीक कद्दूकस करेंगे ना, उतना ही इसका जो पानी है हम आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं डंठल नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डंठल का हिस्सा कट कर रही हूँ, बाकी मैं निकाल कर फेंक दूँगी। इस समय गोभी का सीजन है और खेतों में बहुत सारे गोभी हुए हैं। आप चाहो तो डंठल को भी कद्दूकस कर कर डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ इसी तरह से सारी गोभी को कद्दूकस कर लेना है। आप देख सकते हो इसमें कितना पानी है। तो हमें इसका पानी बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, सिर्फ हाथों से हल्का हल्का दबाकर इसका थोड़ा सा पानी कम कर लेना है। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा ना, तो बहुत सारा हमें बेसन इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ज़्यादा बेसन ऐड करने की वजह से इसका स्वाद खुलकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इतना पानी निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, और डाल देना है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच ही हल्दी का पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है, और 2 पिंच गुल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, जो 100 ग्राम के करीब है, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं इसमें पहले इतना बेसन ऐड कर दिया है। अब इसे मैं मिक्स कर कर देख लूँगी, अगर जितना बेसन का फिर काम लगेगा तो मैं इसमें डालूँगी, पहले सारा बेसन ना डालें। तो यहाँ पर मेरा पूरा ही बेसन लग गया है, तो इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और इसमें जो है ना, बाइंडिंग भी आने लगी है, जैसे लड्डू की तरह हम बांधेंगे ना, तो एकदम अच्छी तरह से बंध रहा है। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी रख दिया था गर्म होने के लिए। मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, मेरा तेल गर्म है, तो मैं फटाफट से इसे लड्डू की तरह गोल गोल कर कर तेल में डालती जाऊँगी। इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ हाथों से लेकर गोल करना है और डालते जाना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इस बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ हल्के हाथों से ही इसे गोल कर कर डालते जाना है। और मैं इसी तरह से जितना कढ़ाई में आएगा, मैं 2-3 बार में इसे तल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 10-12 पीसेस डाल दिए हैं, और इसे ऐसे ही हिलाते हुए उलटते पुलटते तल लेना है कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं, और एक भी टूटा फूटा नहीं है। तो अगर आपका तेल में डालने पर टूट रहा है, तो इसका मतलब आपका बेसन कम है। तो आप इसमें और थोड़ा बेसन डाल दो, और इसी तरह से उसे पका लो। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सबको लाल लाल कर कर तल लिया है। अब मैं इस कढ़ाई का तेल थोड़ा कम कर लूँगी, और इसी में मैं फ़ौरन डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा तेल रखा है, और इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से खड़े मसाले, बड़ी इलायची जिसे मैंने 1/2 तोड़ कर डाल दिया है, थोड़ी सी दालचीनी, यहाँ पर थोड़ी सी गोल मिर्च, इसी में मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच जीरा। तो यहाँ पर खड़े मसाले डालने से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट लिया है। मैंने लहसुन 25 कलियाँ ली थी, अदरक 2 इंच और 2 प्याज। तो इन सबको डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर भी मैंने 2 ही लिया था, मीडियम साइज के 2 टमाटर थे, ज़्यादा ना डालें नहीं तो खट्टे हो जाएंगे। तो इसे भी कर लेना है मिक्स। अभी इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, सब कुछ डालकर इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चौथाई चम्मच गोल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक डालें स्वाद अनुसार, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स कूटी हुई लाल मिर्च और एक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा एवरेस्ट गरम मसाला। तो इन सबको डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और मैं ये कोफ्ते हैं ना, देखिए मेरे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ दूध की छाली। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दो, नहीं तो ये बिना छाली के भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये छाली डालने से थोड़ा सा इसमें जो तेल है ना वो बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दो, छाली नहीं, दूध की छाली नहीं डाल पा रहे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से हरे मटर, मैं मटर वाले कोफ्ते बना रही हूँ। ये मटर डालने से ना और भी कोफ्ते का स्वाद बढ़ जाता है, ये जो ग्रेवी है ना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। तो मटर का सीजन है तो मटर वाले ही कोफ्ते बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भूनते भूनते मसालों ने एकदम तेल छोड़ दिया है और एक इतना सूखा सूखा हो चुका है, तो हमें इतना ही भूनना है कि एकदम भूनते भूनते इसका तेल निकल जाए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे पानी, पानी हम इतना डालेंगे जितना हमें ग्रेवी बनाना है, जितना गाढ़ा पतला। पानी डालने के बाद मैंने इसे 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम कोफ्तों को ऐड करेंगे। तो कोफ्तों को ऐड करने के बाद सिर्फ हमें 1 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद हमारे ये कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते हो जाएंगे रेडी। और ये जो कोफ्ते हैं ना इसमें फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें डाले 1 मिनट में ही फटाफट से फूल जाते हैं, सारा इसका पानी जितना है जूस वगैरह ये पी जाते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो चुके हैं और मेरे कोफ्ते हो गए हैं रेडी। मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता और फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते हो गए हैं तैयार। तो अगर आप भी गोभी की सब्ज़ी खाते खाते हो गए हो बोर, तो ज़रूर ट्राई कीजिए गोभी की कोफ्ते की। ये बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनते हैं। अभी इसे बने 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, देखिए आप अभी गर्म ही हैं और इसने सारा जूस पी लिया है और इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।